अबीब हमास ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर हमले जारी रखे तो मजीद यरगमाली ताबूतों में ही वापस जाएंगे। तर्जमान हमास का कहना था कि इसराइली वजीर आजम अमन मायदे के बजाय फौजी हमलों पर जोर दे रहे हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा में हलाक होने वाले 6 यरगमालियों की वापसी में नाकामी पर माफी मांग ली है। नेतन्याहू के माफी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल ने मुज़ाकरात से निपटने के हवाले से सड़कों पर शदीद एहतजाज दूसरी रात में दाखिल हो चुके हैं। बैन अल-क़वामी सतह पर भी इसराइल पर दबाव बढ़ गया है। बरतानिया ने गजा में बैन अल-क़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए इसराइल को कुछ हथियारों की फरोख्त मुअत्तल कर दी है। इसराइल ने हमले जारी रखे तो मजीद यरगमाली ताबूतों ही में वापस जाएंगे। हमास ने खबरदार करते हुए कहा है कि नेतन्याहू अमन मायदे की जबकि मगरबी किनारे में जनीन कैंप में इसराइली हमले में शहीद अफराद की तादाद 30 हो गई है।